नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोनभद्र के उमा गांव में हुए खूनी संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर दुग्धी के विधायक का एक पत्र वायरल हो रहा है। दुग्धी विधायक हरिराम चेरो ने 14 जनवरी को ही उमा गांव के आदिवासियों की भूमि की समस्या को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा था। आरोप लगाया गया था कि भूमाफिया आदिवासियों की पैतृक जमीन जबरदस्ती हड़पने के चक्कर में है। विधायक ने इस पत्र की पुष्टि की और कहा कि शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया। अब क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार यहां गर्म है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय को उम्भा के भूमि की समस्या को लेकर पत्र पहले ही लिखा गया तो उसे संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया। लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री मामले को लेकर पहले ही गंभीरता से संज्ञान ले लेते तो शायद उम्भा की घटना ही नहीं घटती। चर्चाएं यहां तक है कि आखिर क्या कारण है कि एक गठबंधन पार्टी की सिटिंग विधायक की बात को तरजीह क्यों नहीं दी गई। मुख्यमंत्री अगर वास्तव में आदिवासियों के हितैषी होते तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता और 11 लोगों की मौत नहीं हुई होती। लखनऊ गए विधायक हरिराम चेरो ने सेलफोन पर वार्ता के दौरान कही कि उम्भा गांव के प्रकरण को लेकर 14 जनवरी में ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित उनके कार्यालय को पत्र भेजा गया था, लेकिन अफसोस है कि इसे संज्ञान में नहीं लिया गया और आदिवासियों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हो गया। उन्होंने बताया कि प्रकरण को लेकर जनवरी में ही उमा गांव में जन चौपाल भी लगाया गया, मामले का ज्ञापन तहसीलदार को भी सौंपा गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।